तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यह 12 वाट का एलईडी बल्ब है जो एकदम धीमा जलता है। आप देख पा रहे हैं सप्लाई मैंने दे दिया, यहाँ पर धीमा जल रहा है, लाइट ऑफ करने पर आप देख सकते हैं एकदम धीमा जल रहा है। तो दोस्तों ये जो एलईडी बल्ब होता है वह किन किन कारणों से धीमा जलता है और उस कारणों को आप कैसे पता लगा सकते हैं और कैसे आप इस बल्ब की प्रॉब्लम को घर पर ही ठीक कर सकते हैं, पूरी बातें बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करता हूँ फटाक्स। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम इस 12 वाट का जो एलईडी बल्ब है उसका डिफ्यूज़र को यहाँ पर ओपन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से खोलकर देखते हैं तो फाइनली इसका डिफ्यूज़र अलग हो चुका है। अब दोस्तों हम यहाँ पर सप्लाई देंगे अपने सीरीज बोर्ड के होल्डर में। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सारे बल्ब डिम जल रहे हैं सिवाय एक बल्ब छोड़ के। अब एक बल्ब क्यों नहीं जल रहा है इसको मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बल्ब बहुत ही डिम जल रहा है, यानी कि धीमा जल रहा है, ठीक है। अब दोस्तों धीमा जलने के दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण, इसका प्लेट में कोई एक या दो एलईडी फ्यूज रहता है, वीक रहता है, ठीक है। और दूसरा कारण, इसका सर्किट ड्राइवर खराब हो सकता है और सर्किट ड्राइवर में अधिकतर आईसी खराब होता है, तभी इसमें डिम जलने का यानी धीमा जलने का प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ पर ये पता करना है कि इसका जो प्रॉब्लम है यहाँ प्लेट में है या इसका ड्राइवर में, ठीक है। और यदि आपका बल्ब में आईसी खराब होता है और डिम जलता है तो इसके लिए आप यहाँ पर आई बटन में लिंक शो हो रहा है उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो वायर आप देख रहे हैं डीसी आउटपुट वायर, यहाँ पर हम पहले वोल्टेज चेक करेंगे इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है, और आ रहा है तो कितना आ रहा है इसे हमें पता करना है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि डीम प्रॉब्लम यानी कि धीमा जलने की प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा है। तो आपको मल्टीमीटर लेना है, डीसी रेंज 1000 में आपको सेट करना है और बल्ब को अपने सीरीज बोर्ड के होल्डर में सप्लाई दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सप्लाई दे दिया हूँ और यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पर तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों इसमें 85-86 वोल्टेज यहाँ पर शो हो रहा है, यानी कि वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है, सही से आ रहा है। अब दोस्तों वोल्टेज सही से आ रहा है फिर भी डीम जल रहा है, धीमा जल रहा है, तो इससे तो प्रॉब्लम ड्राइवर में तो हो नहीं सकता क्योंकि वोल्टेज तो सही से आ रहा है। तो इसका प्रॉब्लम कहाँ होगा, इसका एलईडी प्लेट में होगा, क्योंकि वोल्टेज सही आ रहा है फिर भी धीमा जल रहा है, तो इसमें का कोई एसएमडी एलईडी खराब होगा जिस कारण से बल्ब धीमा जल रहा है, ठीक है, जिसको हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, पता करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह का वायर का एक चिमटी तैयार करेंगे, ठीक है। आपको 3 से 4 इंच वायर को कट करना है और सामने सामने को छील लेना है और इस तरह से आपको एक चिमटी तैयार कर लेना है और बल्ब को सप्लाई देना है और यहाँ पर सारे बल्ब को इस तरह से शॉर्ट कर करके देखना है। तो यहाँ पर दो दो बल्ब एक पैरेलल में जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं दो बल्ब ऑफ हो रहा है, जो धीमा जल रहा है उसको हम शॉर्ट कर रहे हैं तो बंद हो जा रहा है क्योंकि वह सही है, और दो दो बल्ब एक पैरेलल में जुड़ा हुआ है और उसके बाद सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम सभी बल्ब को देखते हैं इसके एलईडी को। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस एलईडी को हम शॉर्ट कर रहे हैं तो हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है, तो इससे क्या पता चलता है, इससे यही पता चलता है कि ये जो बल्ब है ना, ये वाला, इसमें दो बल्ब लगा हुआ है पैरेलल में, तो ये एलईडी ख़राब है, जिसको हम शॉर्ट कर रहे हैं तो हमारा बल्ब जल रहा है। अब बल्ब का प्रॉब्लम पता चल चुका है, अब हम इसको शॉर्ट करेंगे, हमारा बल्ब ठीक हो जाएगा। अब आप ये कहेंगे भाई शॉर्ट करने से बल्ब नहीं चलता है, ज़्यादा दिन नहीं चलता है, तो दोस्तों आप शॉर्ट कर सकते हैं, आपका बल्ब ज़्यादा दिन तक चलेगा। किस कारण से चलेगा मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, कब चलता है अच्छा लंबा दिन और कब किस कंडीशन में नहीं चलता है, मैं इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बल्ब ख़राब है, लेकिन इसके सारे एलईडी एकदम फ्रेश लग रहे हैं, आप देख पा रहे हैं ना, सारे इसका एलईडी फ्रेश लग रहा है, जो ख़राब बल्ब है उसको छोड़कर सारे एलईडी फ्रेश लग रहा है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में आप यहाँ पर एलईडी शॉर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको एक चीज़ और देखना पड़ता है कि इसका दोस्तों डीसी आउटपुट वोल्ट है ना, ये कितना आ रहा है, ये भी यहाँ पर मायने रखता है। आप अगर आपका एलईडी बल्ब का जो एलईडी ख़राब है उसको छोड़कर सारे एलईडी फ्रेश है लेकिन वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपको शॉर्ट नहीं करना है क्योंकि इससे में आपका बल्ब ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, मैं आपको बता दें, इसको शॉर्ट करने से आपका बल्ब ख़राब हो जाता है, तो किस कंडीशन में ख़राब होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर इस बल्ब को हम शॉर्ट करेंगे तो जल्दी नहीं ख़राब होगा, क्यों नहीं ख़राब होगा कि इसका बाकी का एलईडी आप देख सकते हैं एकदम फ्रेश लग रहा है, किसी में भी कोई दाग नहीं है, है ना। और दूसरी बात, इसका जो वोल्टेज मैंने आपको चेक करके दिखाया 86 वोल्टेज आ रहा है, जो कि प्रॉपर वोल्टेज है। अगर वोल्टेज 95 या 100, 110 ऐसा वोल्टेज आ रहा है और इसका एलईडी बाकी फ्रेश है,
तो उस कंडीशन में भी आपको शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि एलईडी तो फ्रेश है लेकिन वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है, तो इस कंडीशन में भी आपको शॉर्ट नहीं करना है। ऐसे में कुछ दिनों में आपका बल्ब खराब हो जाता है। तो आपको दो चीज़ देखना है, जो एलईडी शॉर्ट कर रहे हैं उसके अलावा बाकी का एलईडी सही होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए और वोल्टेज प्रॉपर होना चाहिए। जैसे कि इस बल्ब को आप देख पाएंगे, इसमें का इस बल्ब को शॉर्ट करने के बाद कुछ दिनों में ही ये बल्ब फ्यूज हो जाए, फ्यूज हो गया। क्यों फ्यूज हो गया? क्योंकि ये शॉर्ट करने के अलावा कई सारे बल्ब एलईडी इसमें पहले से डैमेज लग रहा है, कमज़ोर लग रहा है, जिस कारण से शॉर्ट करने के बाद यह बल्ब कुछ दिनों में ही ख़राब हो गया। तो इस कंडीशन में आपको शॉर्ट नहीं करना है। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आप चेंज भी करेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, आपको डायरेक्ट इस प्लेट को ही चेंज करना पड़ेगा। यह 10-15 रुपये में आपको प्लेट मिल जाता है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर शॉर्ट करेंगे। मैंने आपको बता दिया कि क्यों शॉर्ट करेंगे और चलेगा कि नहीं लगेगा, इसको आपको बता दिया। इसको हम शॉर्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर बाकी का एलईडी फ्रेश है और इसका वोल्टेज भी प्रॉपर है, न कम है न ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में हम इसको शॉर्ट करेंगे तो यकीनन दोस्तों आपका जो बल्ब है 2 से 3 महीने या उससे ज़्यादा भी चल सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान देना है कि किस कंडीशन में आपको शॉर्ट करना चाहिए और किस कंडीशन में आपको एलईडी शॉर्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा बल्ब अच्छे से ग्लो कर रहा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह का और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जुड़े वीडियो हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नीचे का जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन उसको प्रेस करने के बाद यहाँ पर बेल आइकन के जो घंटी है उसको भी ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।